इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। जी हाँ दोस्तों, इस सदाबहार गीत को सुनने के बाद 1991 की फिल्म सौदागर का नाम आपके दिमाग में जरूर आया होगा, जिसकी कहानी वीरू और राजेश्वर सिंह पर आधारित है। जहाँ फिल्म की कहानी इनकी दोस्ती से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें दोनों के बीच गहरी दुश्मनी देखने को मिलती है, जिसके बाद फिल्म और भी दिलचस्प हो जाती है जब इन दोनों के पोते एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा था और ये स्क्रीन पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही थी। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज हुए लगभग 30 साल हो चुके हैं और इन पिछले सालों में फिल्म के कलाकार इतने बदल गए हैं कि शायद आप इन्हें पहली नज़र में पहचान भी ना पाएं। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ चुनिंदा अभिनेताओं के बारे में बताने वाले हैं जो फिल्म सौदागर से मशहूर हुए थे, जो इन पिछले सालों में बहुत बदल गए हैं। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं कौन से हैं वो कलाकार। लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है राजकुमार का। राजकुमार ने फिल्म सौदागर में राजेश्वर सिंह का किरदार निभाया था। फिल्म में उन्होंने एक जमींदार के बेटे की भूमिका निभाई है। राजकुमार ने अपनी हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी शानदार एक्टिंग की थी। मगर दोस्तों, ये शानदार अभिनेता आज हमारे बीच नहीं है। इनकी मृत्यु 1996 में 69 वर्ष की उम्र में हुई थी। लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है दिलीप कुमार का। फिल्म में दिलीप कुमार ने वीरू की भूमिका निभाई थी। फिल्म में उन्हें राजेश्वर के करीबी दोस्त के रूप में देखा गया था। दोस्तों, अब दिलीप साहब 98 साल के हो गए हैं। दोस्तों, उम्र के हिसाब से दिलीप साहब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और वो कई सालों से बीमार हैं। फिल्म की बात करें तो फिल्म में भी दिलीप साहब का रोल बुजुर्ग का ही दिखाया गया था। फिल्म में उनकी स्टाइलिश सफेद मूछें, बालों, कोट और मफलर को लोगों ने काफी पसंद किया था। दिलीप साहब अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ मुंबई में ही रहते हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है अमरीश पुरी का। फिल्म में अमरीश पुरी खलनायक के किरदार में नजर आए थे। फिल्म में अमरीश पुरी ने चुनिया की भूमिका निभाई थी। फिल्म में अमरीश पुरी भले ही विलेन बने थे, लेकिन उनकी एक्टिंग और किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया था। लेकिन ये शानदार अभिनेता अब हमारे बीच नहीं है। अमरीश पुरी ने 12 जनवरी 2005 को ब्लड कैंसर के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी पत्नी उर्मिला और दो बच्चों को पीछे छोड़ दिया, जो मुंबई में ही रहते हैं। लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है मनीषा कोइराला का। फिल्म में मनीषा कोइराला राजेश्वर की पोती राधा के किरदार में नजर आई थी। फिल्म में राधा की मासूमियत भरे किरदार को काफी पसंद किया गया था। दोस्तों, आज मनीषा कोइराला 50 की उम्र पार कर चुकी हैं। उनके चेहरे पर उम्र का असर साफ नजर आता है। उनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो उन्होंने वर्ष 2010 में सम्राट दलाल से शादी की थी, लेकिन शादी के 2 साल के भीतर ही इनका रिश्ता टूट गया और आज मनीषा कोइराला अकेले ही अपना जीवन गुजार रही हैं। लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है विवेक मुशरान का। दोस्तों, फिल्म में विवेक ने वासु का किरदार निभाया था। विवेक अब 51 साल की उम्र पार कर चुके हैं और इतना बदल चुके हैं कि आप पहली नज़र में उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। आज वो पहले की तुलना में थोड़े मोटे हो गए हैं और आपको उनके चेहरे पर मूछें भी दिखाई देंगी। साथ ही इनके सिर के बाल आज बहुत छोटे हो गए हैं। दोस्तों, विवेक आज भी फिल्मों के साथ साथ धारावाहिक में भी बहुत सक्रिय हैं, जिसके कारण उन्हें सोनपरी और परवरिश जैसे धारावाहिकों में भी देखा गया है। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस अभिनेता का बदला हुआ रूप देखकर हैरानगी हुई, आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा बॉलीवुड से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।